प्यार मिला है आप लोगों का और कुछ वीडियो में बस 100-200 व्यू आ जाते हैं, लेकिन 100-200 व्यू मेरे लिए बहुत बड़े हैं गाइस, बिकॉज़ 10 लोग हमें नहीं सुन पाते हैं, 200 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो गाइस, माय सेल्फ रोहित। तो घर से निकला था तब से मैं सोच रहा था कि आज के ब्लॉग में क्या बात करेंगे, और अभी सनलाइट इस तरफ से, मतलब इस तरफ से सनलाइट आ रही है, तो बीच बीच में मैं ब्लैक हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ख़राब आएगा, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी गाइस। और मैं कहाँ पर था, हाँ मैं सोच रहा था कि आज के ब्लॉग में क्या बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ सोच नहीं पाया। पर इस इंडिगो मांजा पे जो पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, और आज हम लोग इसको ड्राइव करने वाले हैं। उस वीडियो पे, वीडियो में मैं ड्राइव नहीं कर पाया गाइस, तो आप लोग देख सकते हो आई एम ड्राइविंग। तो एक्साइटमेंट मुझ में भी है, बिकॉज फोर व्हीलर कभी कभी मिलती है चलाने, ऑल टाइम तो बाकी R15 E3 चलाते हैं, और उसमें उससे ज़्यादा प्यार है मुझे, R15 E3 से बहुत ज़्यादा प्यार है लिटरली, और उसे ही राइड करना मुझे पसंद आता है सब बाइकों में से, और कार में से तो कोई भी मिल जाए, इंडिगो मांजा मिल जाए या फिर अपनी जो फॉर्च्यूनर है D4D मॉडल वो मिल जाए, दोनों में से कोई भी मिल गई तो ओके। सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा मैं रोक लेता हूँ बिकॉज रास्ता बहुत छोटा है। दोनों बाइक पास हो गए, अभी हम इसको ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। मैं मेरे फार्म में आया था, हमारे खेत में आया था, बिकॉज अभी हमारे पास, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो अभी हमारे पास ऑनियन है, बाकी स्टेट्स में ऑनियन लगाते हैं या नहीं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, पर एक बात बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र में नासिक नंबर वन पर है, और उसके बाद बाकी सब फिर डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनियन लगाया जाता है। तो ऑनियन की हार्वेस्टिंग अभी चल रही है गाइस, दोस्तों ऑनियन की हार्वेस्टिंग अभी चल रही है, और मैं उनको हेल्प करने वाला था, पर सुबह ऐसा हुआ कि मैं जल्दी जल्दी में निकला, और मैंने अपनी स्लीपर, चप्पल, सैंडल, शूज़ कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं वैसे ही फिर नंगे पाँव आ गया। और बात बोलूँ तो इस वीडियो पे मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला था कि आपने इंडिगो मांजा के वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसी प्यार को इस वीडियो में, वो प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसी प्यार को देखकर मैं नेक्स्ट वीडियो इंडिगो मांजा पे ये बना रहा हूँ। और ड्राइव करने की बात करूँ तो अभी ये गांव का रास्ता है, सिंगल लेन है, तो सिंगल लेन पर ये अपने जो थ्रॉटल है, मतलब थ्रॉटल तो बाइक की आदत हो गई है, इसका जो रेस है उस पे पैर रखने नहीं देती है, थोड़ा सा भी हम इसको रेस नहीं कर सकते, बस ब्रेक और क्लच पे पैर रखकर चलाना पड़ती है, क्योंकि रफ्तार इसमें इतनी ज़्यादा है। इंडिगो मांजा की तारीफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बात करेंगे इसको ड्राइव करते समय क्या फील आता है बाकी गाड़ियों के कंपेयर में। ज़्यादा गाड़ियाँ तो मैंने चला ही नहीं है, पर मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहली बात, आप जब सिंगल रास्ते से ड्राइव करोगे या फिर कच्चे रास्ते से ड्राइव करोगे तो ये आपको, एक मिनट, सामने से गाड़ी आ रही है, हाँ तो ये आपको क्लच और ब्रेक के अलावा थ्रॉटल पे, रेस पे पैर नहीं रखने देगी। आपके रीजनल लैंग्वेज में रेस को और थ्रॉटल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे रीजनल लैंग्वेज के कुछ शब्द मैं यूज़ करूँगा और कुछ अपन इंग्लिश भी यूज़ करेंगे जो कि कॉमन है, एक फ्रैंक फ्रैंक रिव्यू बनेगा फ्रेंडली। अभी अभी इसका बेल्ट चेंज किया है, मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी गाड़ियों के कंपेयर में इंडिगो मांजा का। मेरा बड़ा भैया लेके गया था इसको, तो
जब वो लेके गया इसका बेल्ट टूट गया, उसकी काफी परेशानी हुई, टो करके गाड़ी ले जानी पड़ी गैरेज तक। फिर वो वापस आया, उसने पापा से कहा कि आपको मैंने कहा था कि इसका बेल्ट डलवाओ इंडिगो मांजा का। तो पापा ने बोले अगर तू डलवा लेता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब पापा ने कहा कि तुम दोनों की भी कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, सब काम तो वो अकेले नहीं हैंडल कर सकते हैं। और ये टॉन्ट हमें हमेशा सुनना पड़ता है बिकॉज उसमें हमारी गलती है। लेकिन अब खुद से कुछ काम समझते नहीं है, कुछ पापा जो बोलते हैं वो हम कर लेते हैं। हर घर में यही होता है, बच्चों को गालियाँ पड़ती है, उसी तरह हमें भी पड़ती है। लाइफ सबकी ईजी हार्ड, किसी की लाइफ ईजी या हार्ड नहीं होती, हम खुद जैसे उसको ढाल लेते हैं वैसी वो हो जाती है। अब मेरी लाइफ में सोचूं, किसी और के इससे सोचूं तो बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज सब कुछ मिल जाता है पापा को जीत करके, या फिर कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ चीज़ें आराम से मिल जाती है। ये इधर स्पीड ब्रेकर था, अभी जो गाड़ी है वो थर्ड गियर में होकर भी अच्छी खासी रफ्तार इसमें। मैं गाड़ी इसलिए नहीं भगा रहा हूँ कि हमारी बात थोड़ी सी ज़्यादा हो पाए, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, फार्म से 2 किलोमीटर ही था, मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर। और मैंने अपने गाय के लिए थोड़ा सा घास लाया है डिक्की के अंदर, और इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप लोगों को देखना होगा गाइस तो मैं अभी बता सकता हूँ गाड़ी खड़ी करके, जस्ट अ सेकेंड, ये हुआ थ्रॉटल ऑन। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि बूट स्पेस कितना बड़ा है, अभी इसमें थोड़ा सा घास है, एक मिनट, ये ऊपर रह नहीं पा रहा है बिकॉज गाड़ी थोड़ी सी क्रॉस खड़ी है, मेरे जैसे दो बंदे इसमें आराम से आ जाते हैं। तो अपनी राइड फिर से स्टार्ट करेंगी, कुछ ऐसा लुक देती है साइड वाइज, आप लोग देखो गाइज साइड वाइज आगे से ऐसा लुक देती है, और पीछे से बात करेंगे तो कुछ ऐसा लुक देती है, काफ़ी लग्जरियस लगती है जब आप पीछे से देखते हो तो। और कुछ छोटे मोटे मॉड्स हमने इसमें करवा रखे हैं बहुत सारे, खर्चा तो बहुत आता है लेकिन इसका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये रहा इसका इंटीरियर एवरीथिंग, कोई तो डोर खुला है या फिर ये थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ओके, अभी स्टेयरिंग थोड़ी सी घुमा रखी है इसलिए ये टाटा का जो टी है वो उल्टा हो गया है। तो चलते हैं, निकलते हैं हम अभी यहाँ से, घर पर जाएंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। तो गाइस आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्या बात करना है क्या नहीं करना है ये मैंने सोचा नहीं था, पर जो भी बात कर रहा हो अपने दिल से कर रहा हो, कोई चीज़ प्लान नहीं है इसमें। और सिंगल लेन पे ड्राइव कर रहे हैं, वो R15 E3 चलाने की वजह से अंदर से राइड वर्ड निकल के आता है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है गाइस कि आपसे ड्राइव करते हुए बात हो पा रही है, बिकॉज R15 E3 मेरे पास GoPro नहीं है अभी फ़िलहाल, पैसे मैं जमा कर रहा हूँ GoPro लेने के लिए, पर उतना ज़्यादा बजट नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत हेल्प मांगी है घर वालों से, हेल्प करेंगे या नहीं पता नहीं, अभी तो नहीं बोल रहे, जिद पकड़ रखी है हमने थोड़ी सी कि आप थोड़े पैसे दे दो, थोड़े मैंने जमा किए हैं और मुझे एक एक्शन कैमरा लेना है। घर वालों से तो ये भी बात नहीं कर सकते कि YouTube वीडियो बनाने के लिए ये करना है या वो करना है, बिकॉज जूते पड़ेंगे गाइस। मैं भी आप ही के जैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कुछ के घर वाले होंगे जो YouTube के लिए एक्शन कैमरा दिलाएंगे, लिटरली 99% बच्चों के घर वाले एक्शन कैमरा नहीं दिलाएंगे, मेरे घर वाले तो नहीं दिलाते हैं, अब आपका मुझे पता नहीं। तो आपको मैं एक अच्छा वीडियो डिलीवर कर सकूं इसलिए एक्शन कैम की मांग अभी घर पे की है। मेरा यूट्यूब इनकम तो मैं बोल नहीं सकता कब स्टार्ट होगा कब नहीं, अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो पकड़ के रखेंगे, जब तक मिलता नहीं आए हैं तो लेके जाएंगे। मेरे पिछले मांजा वाले वीडियो में भी मैंने बोला था आए हैं तो लेके जाएंगे, तो लेके जाएंगे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। इनकम की कोई बात नहीं है, इनकम करे होगा नहीं होगा पता नहीं, पर एक एज अ स्टूडेंट माँ बाप के पैसों पे मैं जीता हूँ,
तो मेरा खुद का भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए, इसलिए यूट्यूब स्टार्ट किया है। लेकिन अभी वीडियो से प्यार होने लगा है, बिकॉज अभी मैं अराउंड 6 से 7 महीने हो गए, 7 नहीं ज़्यादा हुआ है। अभी थोड़े दिनों के बाद 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा जब से मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे। तो वीडियो में कुछ वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आप लोगों का, और कुछ वीडियो में बस 100-200 व्यू आ जाते हैं। लेकिन 100-200 व्यू मेरे लिए बहुत बड़े हैं गाइस, बिकॉज 10 लोग हमें नहीं सुन पाते, 200 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लिटरली। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी। तो आप लोगों ने देखा कि कितना लंबा व्यू देती है, तो लग्जेरियस लगती है। और अभी मैं गाँव के पास आया हूँ, तो फास्ट बात करेंगे। थोड़ी सी मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर लेता हूँ। ये लगा हैंड ब्रेक और ये आ गया मोबाइल हैंड में। तो थोड़ी सी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे ये आप लोग देख सकते हो सिंगल लेन है। बस अभी बाइक जाने के लिए रास्ता है, इधर से भी देख सकते हो, इधर तो अभी पहाड़ है। और इस इंटीरियर कुछ ऐसा है, और उस स्टैंड पे मैंने मोबाइल लगा रखा था जहाँ पर अभी वीडियो शूट हो रहा था। तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी बहुत सही है गाइस। म्यूज़िक सिस्टम में होता ये है, आप लोग आगे के सिर्फ 2 स्पीकर आपको बजाने होंगे तो बजा सकते हो, सिर्फ पीछे के 2 स्पीकर आपको बजाने होंगे तो वो भी बजा सकते हो, चारों कॉमन बजाने होंगे तो वो भी बजा सकते हो। ये वाला साइड ग्लास तब टूटा था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है, जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है उन सब लोगों को पता है। और बाद में इधर वाला कैप वो डलवाना भूल गए, उस कैप को कुछ भी नहीं हुआ था गाइस, बस थोड़ी सी मैकेनिक की लापरवाही और थोड़ी सी जो अपना भैया गया था साथ में गाड़ी का काम करने के लिए, थोड़ी सी उसकी लापरवाही। मैं विंडो थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इधर वाला भी थोड़ा सा ओपन करेंगे। ओके, रुक जा भाई। हाँ, अभी ठंडी हवा आ रही है मस्त सी। तो पीछे का कुछ ऐसा व्यू है, और ये रहा ऊपर का लाइट। तो बाकी बात गाइस घर पे जाने के बाद करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर कोई गलती हो गई है तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक मार के जाना। अभी मैं घर के लिए निकलता हूँ। हो घोड़ा, ये अपना हॉर्स है गाइस, जब सेल्फ लेती है तो ऐसा लगता है कि घोड़ा चिल्ला रहा है, और जब फॉर्चुनर से सेल्फ लेती है तो लिटरली घोड़ा ही चिल्लाता है। जो बचती है ना, बहुत सही बचती है फॉर्चुनर गाइस। मांदा कहेगी कि मेरे पास बैठकर फॉर्चुनर की तारीफ कर रहा है। गाड़ी तीसरे गियर में लगवा रखी थी इसलिए बंद हो गई थी। मांजा कहेगी मेरे पास बैठकर फॉर्चुनर की तारीफ हो रही है इसलिए उसको गुस्सा आया, वो बंद हो गई। अभी हम पीछे के रास्ते से जाएंगे, बिकॉज गांव में से रास्ता थोड़ा सा छोटा है, और लोग जो होते हैं वो बाइक रास्ते में खड़ी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम स्पेस मिलता है गाड़ी निकालने के लिए। तो किसी को धक्का लगे इससे तो अच्छा ही है कि हम बाहर के रास्ते से जाए, और जो बाहर का रास्ता है वहाँ से एक राइट टर्न आता है फिर मेरा घर आ जाता है। तो आप लोगों को दिखाएंगे जब घर पे मैं उतरूंगा, बाकी आपको गाड़ी का एक्सटीरियर बताऊंगा। वीडियो तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं, तो वीडियो मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ रोहित। वीडियो ख़त्म होते आते आते मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी रिसेंटली नाम चेंज हुआ है कल्याणकर रोहित से। मैंने जो कल्याणकर सरनेम होता है मुझे पता नहीं था, मेरे विलेज का नाम धार कल्याण होने के वजह से मैंने नाम रख दिया था कल्याणकर रोहित, पर अभी उसको मैंने मेरा सरनेम लगा दिया है रोहित कदम। तो वेलकम बैक टू रोहित कदम यूट्यूब चैनल। आप लोगों का प्यार मिलता रहे यही आशा करेंगे। और अभी मैं घर के पास आ गया हूँ, तो आपको गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो बताएंगे। बूम, राइट टर्न। लड़की देखी देखी शुरू हो जाता है रोहित। अब आप बोलो गाइस गाड़ी कहाँ लगेगी, घर पर
अपनी फॉर्च्यूनर घर पे नहीं है अभी। ओके इधर ही पार्क करेंगे गाइस। अभी ये हो गई रिवर्स। अरे यार गई रिवर्स। मम्मी आई माग काही आहे का बघ ना। बर बर सोच लेता कि पहले ही बाहर लगानी है तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं था गाइस। पार्क करने में चलो पार्क हो गई है। अभी मैं आपको इसका एक्सटीरियर बताऊंगा। तो गाइस दिस इज इंडिगो मांजा। आप लोगों को पता ही है आप लोग कब से वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे इंडिगो मांजा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे टाटा लिखा था, टी गायब हो गया, आटा हो गया। और उसके बाद थोड़ा छोटा सा मोड़ करा रखा है जो कि राजमाता नेम लिखा है, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मम्मी थे आप रेडियम करवा रखा है। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। ये जो कैप है जो कि विंड ग्लास जो होता है उसके ऊपर जो कैप है वो मॉडिफिकेशन करा रखा है। व्हील कैप इस साइड का गिर गया है, पीछे का अवेलेबल है आपको दिखाने के लिए। नेक्स्ट बात, आगे से कुछ विस्टा की तरह असेंबल करती है, पिछले वीडियो में भी बोला था, लेकिन विस्टा का और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है गाइस। इस साइड से कुछ ऐसा लुक देती है। ये मिरर जो है वो पेंट करवाना बाकी है, एक्सीडेंट के बाद उसको पेंट नहीं करवाया था, ऐसा वाइट था जो पहला मिरर था। नेक्स्ट बात, ये जो व्हील कैप है यहाँ पर एक स्कूटी वाले का फुट पैक जो होता है फुटरेस वो घुस गया था भाई। अभी रिसेंटली वाशिम गया था तब ये हुआ था। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी हाय भी कर रही है और बाय भी कर रही है। और ये रहा पीछे का व्हील कैप, वो रहा आगे का व्हील कैप। इधर फुटरेस घुस गया था स्कूटी का, और इधर इस साइड का किसने गिराया है, भैया ने या पापा ने मालूम नहीं। ऑरा जो है वो जैपनीज टेक्नोलॉजी के वजह से ऑरा लिखा हुआ है। यहाँ से इसका बोनट खुलता है, यहाँ से फ्यूल कैप और पीछे की जो बूट्स वैसे वो खुलता है। तो अभी मैं खोलूँगा बिकॉज घास हमें घर पर ले जाना है और गाय को डालना भी है। पाव बहुत जल रहे बिकॉज नीचे रहती है और ऊपर से धूप। ओके हे गाइस, कुछ ऐसी है अपनी लाइफ, छोटी सी जिंदगी। ओके ये रहा अपना छोटा सा घर, ये रही अपनी विक्रांत, ये रही अपनी स्प्लेंडर, यूनिकॉर्न बाहर गई है, ये रही अपनी R15 V3, ये रही अपनी बुलेट। यहाँ से मैं नीचे जंप करूँगा। अभी मेरे पापा कॉल कर रहे हैं गाइस, जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ से जंप मारेंगे। और ये देखो कितनी होपफुली मेरे तरफ देख रही है खाने के लिए। और ये भी हाँ हाँ तेरे लिए ही लाया हूँ, रुक जा। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा अपना हैप्पी कस्टमर। और नेक्स्ट वाला जो है तो ये रहा अपना नेक्स्ट हैप्पी कस्टमर जो कि हैप्पी कम मारता ज़्यादा है। और ये रहा अपना छोटा बछड़ा, इसको अभी अभी भांजा भी हुआ है रिसेंटली, उसको भी थोड़ा सा घास खिलाएंगे। ओ हीरो कम यार। तो वीडियो को एंड करेंगे गाइस। हेलो गाइस, माई सेल्फ रोहित, वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करके जाओ, आपका हक बनता है।
और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छी चीज लेके आने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि GoPro खरीदने वाला हूँ, सॉरी खरीदने वाला नहीं हूँ, मेरी विश है GoPro खरीदना। विश अगर पूरी हुई तो आपको और भी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।